दोस्तों, समोसे सबको बहुत ही पसंद होते हैं, तो आज हम बहुत ही आसानी से घर पर बनाना बता रहे हैं। अब हम समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा ले लेते हैं। तो मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिए। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अब नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। और मैंने रिफाइंड तेल लिया है मोइन के लिए, तो मैंने इसमें 3-4 चम्मच डाल दिए हैं ताकि ये हमारे समोसे सॉफ्ट बनेंगे। अब हम तेल को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही पानी डालेंगे इसमें और सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। हमने इसका सॉफ्ट डो लगा लिया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, जब तक हम इसकी स्टफिंग बनाकर रख लेंगे। अब हम समोसे की स्टफिंग के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं। हमारा तेल गरम हो गया, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब एक छोटा प्याज डाल देंगे कटा हुआ। अब प्याज को 1 मिनट भून लेते हैं। हमने 1 मिनट प्याज को भून लिया है, हमारे प्याज भून गए हैं। अब हम मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया है। इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी। अगर आपको कस्तूरी मेथी अच्छी नहीं लगती हो तो आप नहीं डालें, लेकिन समोसे में कस्तूरी मेथी की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैंने इसमें चुटकी भर हींग डाल दिया है। एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, एक ही लाल मिर्च की चम्मच, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मसाले खाते हैं तो आप ज़्यादा मसाले डाल दें, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं, तो हमारे घर में कम मसाले खाते हैं, तो मैं कम मसाले के बना रही हूँ। मैंने 3 आलू उबाल कर ले लिए, इनको मैंने मैश कर लिया था पहले ही, अब वो भी डाल देंगे हम। आपके पास मटर हो तो आप मटर भी डाल सकते हैं। अब मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम आलू की स्टफिंग को 1 मिनट और भून लेते हैं मसाले के साथ में। हमने गैस को लो फ्लेम पे ही कर रखा है। हमारी समोसे की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, अब गैस बंद कर देते हैं। अब हमने एक लोया लेकर रोटी के जैसे बेल लिया, अब बीच में से हम कट कर लेंगे। अब एक को बीच में से हम उठा लेंगे, एक किनारे पे हम पानी से चिपकाएंगे। इसको पानी से चिपकाएंगे तो अच्छे से चिपक जाता है। इसको हम अच्छे से जॉइंट कर देंगे ताकि फ्राई करते टाइम खुलेगा नहीं। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर ही समोसे बनाकर खा सकते हैं। अब हम स्टफिंग इसके अंदर भर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और समोसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसके अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, फिर पानी से अच्छे से चिपक जाता है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर एक सलवट बना देंगे ताकि हमारी समोसे की अच्छे से शेप आ जाएगी। एक तरफ से हम इसमें एक सलवट बना देंगे, फिर अच्छे से चिपका देंगे, फिर अच्छे से दबा देंगे। आप इस तरह से बाकी के समोसे भी भर कर तैयार रख लेंगे। हमने समोसे फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया। हमारा तेल
बहुत कम गर्म है, हम ज़्यादा तेज गर्म नहीं करेंगे, और गैस को हमने लो फ्लेम पे कर रखा है। अब समोसे इसमें डाल देंगे हम। शुरू में 5 मिनट तक इसको गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे, बिल्कुल कम आंच में ही हम इनको फ्राई करेंगे। 5 मिनट के बाद में हम मीडियम कर देंगे। हमारा तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे समोसे अच्छे से नहीं फ्राई होंगे, ये बिल्कुल बाजार के जैसे नहीं बनेंगे इनका कवर, अगर आप फुल गैस में फ्राई करोगे तो। हम शुरू में गैस को 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि हमारे समोसे का कवर अच्छे से फ्राई हो जाए। 5 मिनट के हम बाद में गैस को मीडियम करके इनको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। हम समोसों को 2-3 बार पलट देंगे ताकि हमारे समोसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट के बाद में हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे ही इनको फ्राई किया है। हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं, इनका गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये दिखने में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं तो टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप ऐसे ही बचे हुए भी समोसे फ्राई कर लेंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी से ये समोसे ज़रूर बनाकर खाइए।